कि अगर देश का कोयला देश में इस्तेमाल ना हो के हम इंपोर्ट करें और इंपोर्ट भी दुगने दामों पे करें, तो उस दुगने दामों का जो पैसा है वो ट्रांसलेट होता है आपके बिजली के बिलों। कहा गया कि ये जो कोयला जब इंडोनेशिया से इंडिया पहुंचा तो इसके इसको दिखाया गया कि कई इंटरमीडियरीज के थ्रू होता हुआ आया है, लेयरिंग बनाई गई है। तो जो लेयरिंग है ये जनरली मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कामों के अंदर ये लेयरिंग जो है आर्टिफिशियली प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए की जाती रही है। 73 मिलियन टन कोयले के 2000 शिपमेंट जो है एक्सपोर्ट किए हैं। जिन जिन राज्यों में ये महंगा कोयला बेचा जा रहा है उन लोगों की, करोड़ों लोगों की ठगी जो है बिजली के बिल, बिजली के दाम बढ़ा के की जा रही है। और ये जो बीच का मुनाफा है वो कुछ ऐसे मिडिलमैन कंपनियों के पास जा रहा है जो कंपनियां ज्यादातर अदानी साहब की कंपनियों के साथ ही काम कर। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर लंदन से छपता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मामला देश में कोयले के इंपोर्ट से जुड़ा हुआ बहुत लंबी रिपोर्ट छापी गई है और डेटा के साथ छापी गई है। और उसके अंदर जो आरोप लगाए गए हैं वो उसी तरीके के आरोप हैं जो 2016 में, या कहें 2014 से 2016 तक जिन पे काफ़ी चर्चा थी कि अदानी साहब की जो कंपनियां हैं जो कोयला इंपोर्ट करती हैं वो कोयला इस तरीके से इंपोर्ट होता है, जब वो कोयला एक देश से चलता है, मान लीजिए इंडोनेशिया से चलता है तो वो 1 करोड़ रुपए का होता है, और जब कोयला यहाँ हिंदुस्तान पहुँचता है तो समुद्र में चलने के कारण वो कोयला 2 करोड़ का हो जाता है। और ये जो बीच का मुनाफा है वो कुछ ऐसे मिडिलमैन कंपनियों के पास जा रहा है जो कंपनियां ज़्यादातर अदानी साहब की कंपनियों के साथ ही काम करती हैं, वो और कहीं काम भी नहीं करती, उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। छोटी छोटी कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार अदानी साहब के साथ कर रही हैं, ये आरोप इस फाइनेंशियल टाइम्स के इस खबर के अंदर छपा है और बहुत विस्तार से छपा है। हालांकि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो इसके अंदर बयान छपा है वो ये कहता है कि ये आरोप बहुत पुराने हैं और पुराने आरोपों को ही दोबारा जो है रीपैकेज किया जा रहा है। तो मुझे भी लगा कि आरोप पुराने हैं, सुने सुने लगते हैं, मगर जब डेट्स कंफर्म की हैं तो ये आरोप 2019 से 2021 तक जो कोयले की डीलिंग्स अदानी ग्रुप ने की हैं उसका डेटा है, ये पुराना डेटा नहीं है, नया डेटा है। कि उस आरोप के लगने के बाद और DRI की जांच शुरू होने के बाद 2014 के बाद ये आरोप दोबारा से 2019 से 2021 के विषय में है। अब सामान्यतः ऐसा लगता है कि भाई कोई कंपनी 1 करोड़ का माल 2 करोड़ में खरीद रही है तो ठीक है, अपने शेयर होल्डर को धोखा दे रही है। वो कैसे धोखा होता है कि मान लीजिए आपका सामान 1 करोड़ रुपए का है, आप वही सामान अपने किसी आदमी के जरिए 2 करोड़ रुपए का खरीद रहे हैं, तो मैंने अपनी कंपनी से उसके लिए 2 करोड़ रुपए दे दिए, तो शेयर होल्डर को मैंने इस तरीके से ठगा कि शेयर होल्डर का तो 2 करोड़ रुपए चला गया मगर मैंने जो 2 करोड़ रुपए दिए वो 1 करोड़ रुपया तो उस सामान की कीमत है, और 1 करोड़ जो है वो मेरे ही किसी भाई भतीजे की कंपनी है या मेरे ही किसी प्रॉक्सी कंपनी है जिसमें मैंने अपने देश का 1 करोड़ रुपया कह सकते हैं लॉन्डर कर दिया। यहां से मैंने 1 करोड़ रुपया अपना बाहर भेज दिया, ये भेजने का बड़ा आसान तरीका है। 2 करोड़ का माल, 1 करोड़ का माल मैं 2 करोड़ रुपए में खरीदूंगा तो 2 फायदे हैं, एक तो 1 करोड़ रुपया मैंने
देश से बाहर भेज दिया अपनी ही किसी प्रॉक्सी कंपनी को। दूसरा, जो कुलदीप जी और रीना जी जैसे मेरे शेयर होल्डर हैं, उनको मैंने अपना प्रॉफिट कम करके दिखा दिया कि भैया मैंने तो 2 करोड़ रुपए वहां दे दिया, तो जो 1 करोड़ रुपए का फायदा मुझे बांटना था अपने शेयर होल्डर में, वो भी मैंने अपनी एक प्रॉक्सी कंपनी को दे दिया। ये एक तरीका है, जिस तरीके को बड़े विस्तार से इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के अंदर बताया गया। अब ये तो एक छोटा मामला है कि मैंने अपने शेयर होल्डर को ठग लिया और मैंने देश से अपना पैसा लॉन्डर कर दिया या बाहर भेज दिया। जो बड़ा मामला है जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो ये है कि अगर देश का कोयला देश में इस्तेमाल ना हो के हम इंपोर्ट करें और इंपोर्ट भी दुगने दामों पे करें, तो उस दुगने दामों का जो पैसा है वो ट्रांसलेट होता है आपके बिजली के बिलों पे, क्योंकि उस कोयले को थर्मल पावर प्लांट इस्तेमाल करते हैं और उसकी फिर बिजली बनती है। तो वो पैसा सरकार, वो जो ठगी है वो सरकार की ठगी हो रही है, और सरकार वो पैसा लोगों से बिजली बिल के माध्यम से ले रही है। तो वो जिन जिन राज्यों में ये महंगा कोयला बेचा जा रहा है, उन लोगों की, करोड़ों लोगों की ठगी जो है बिजली के बिल, बिजली के दाम बढ़ा के की जा रही है। अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से आपको बता दूं, अदानी साहब के पिछले 2 साल के रिकॉर्ड इन्होंने निकाले, खंगाले कि भाई ये कहां कहां से जो है कोयला जो है इंपोर्ट करते हैं। उसके अंदर पता चला कि इनके 3 ऑफशोर इंटरमीडियरीज हैं, बीच के लोग हैं जिनके वाया कोयला जो है हिंदुस्तान में लाते हैं। एक ताइवान में है, एक दुबई में है, एक सिंगापुर में है, जिनसे इन 2 सालों में इन्होंने करीब $5 बिलियन बहुत बड़ी रकम, करीब $5 बिलियन के दाम के इन्होंने कोयले को इंपोर्ट किया, जो कि लगभग मार्केट प्राइस से दुगना है। जो मैं आपको 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए वाला बात बता रहा था, वो 1 करोड़ की बात नहीं है, वो $5 बिलियन की बात है, हजारों करोड़ रुपए की बात है। अब उसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने देखा कि एक जो कंपनी है वो एक ताइवानीज बिजनेसमैन की है, और वो जो ताइवानीज बिजनेसमैन है उनका नाम बड़ा जाना माना है, और वो नाम पहले भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर आया था कि वो हैं जिनके पास अदानी साहब के बहुत सारे शेयर हैं। उनका नाम है शैन, मैं उनका नाम बताऊंगा, एक ताइवानीज नाम है, अभी आगे रिपोर्ट के अंदर उसका नाम आएगा। तो उनकी कंपनी के जरिए पिछले 2019 से लेकर 2021 तक के 30 शिपमेंट्स की जानकारी अखबार ने जुटाई, और उसके अंदर उन्होंने देखा कि जिन दामों पे ये कोयला आ रहा है, वो 2 तरीके से दाम इस कंपनी ने, इस अखबार ने जुटाए। एक तो वो कि किस दाम पे वो वहां से चला और किस दाम पे वो यहाँ पे आया, इंपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट प्राइस, और उसके अंदर बहुत बड़ा जो है फासला था, यानी कि ये पैसा एक इंटरमीडियरी जो है जा रहा, ले रहा है। अदानी साहब ने कहा कि ये जो है ओल्ड बेसलेस एलिगेशन है, रिसाइकलिंग है, सेलेक्टिव मिसरिप्रेजेंटेशन है। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने देखा ये डेटा 2019 से 21 का है, ये नया डेटा है। इसके अंदर ये भी देखा गया कि ये जो कोयला जब इंडोनेशिया से इंडिया पहुंचा, तो इसके, इसको दिखाया गया कि कई इंटरमीडियरीज के थ्रू होता हुआ आया है, लेयरिंग बनाई गई है। हालांकि इनके हिसाब से ये कोयला सीधा इंडोनेशिया से इंडिया पहुंचा है। तो जो लेयरिंग है, ये जनरली मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कामों के अंदर ये लेयरिंग जो है आर्टिफिशियली प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए की जाती रही है। इसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर
एक और जिक्र है, एक शिप का इन्होंने जिक्र किया, जैसे कि 2019 में एक शिप जो कि एक साउथ कोरियन आदमी का था वो इंडोनेशिया से चला और करीब 74,820 टन कोयला लेके पहुंचा इंडिया। सिर्फ उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्राइस को इन्होंने वहां से और यहां से निकाला, गुजरात के मुंद्रा कोर्ट में, अदानी साहब का कोर्ट है, वहां पे पहुंचा। तो इसके अंदर ये साफ साफ बताते हैं कि ये जो वहां से जब चला तो उसका दाम था 1.9 मिलियन डॉलर और जब वो इंडिया पहुंचा तो उसकी इंपोर्ट वैल्यू हो गई 4.3 मिलियन डॉलर, लगभग दुगने से भी ज़्यादा, 1.9 मिलियन डॉलर से बढ़ के 4.9 मिलियन डॉलर हो गई। कुछ लोग सोच सकते हैं कि शिपिंग और इंश्योरेंस का पैसा है, मगर शिपिंग और इंश्योरेंस के अंदर मात्र 42,000 डॉलर का खर्चा हुआ है। ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो बड़े हैं, एक मिलियन के अंदर 10 लाख रुपए होते हैं, ये जो है ये बहुत ही सीक्रेटिव चीज़ है, बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ है, जिसके बारे में कई विशेषज्ञों से फाइनेंशियल टाइम्स ने बात की और वो सब लोग ये कहते हैं कि जनरली कोयले के अंदर जो कमीशन होता है वो मात्र कुछ डॉलर्स के अंदर होता है। टन भर कोयले में कुछ मात्र डॉलर का कमीशन आप ले सकते हैं, मगर ऐसा कभी ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं सुना गया कि करीब दुगना दाम जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के अंदर ये दाम बढ़ जाए। और इन्होंने ये रिकॉर्ड्स जनवरी 2019 से अगस्त 2021 तक के रिकॉर्ड्स खंगाले हैं, उसके बाद ये रिकॉर्ड्स उपलब्ध होने बंद हो गए हैं और उसके बाद जो है जो देश हैं वो इन रिकॉर्ड्स को जो है शेयर नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से और कई सारे मामले जो हैं इस रिपोर्ट के अंदर दिए हैं। और तीन जो मिडलमैन, जो बीच की कंपनियां हैं जिनके हवाले से कहा जाता है कि साहब इसने इतने का खरीदा इतने का बेचा, जो मिडलमैन कंपनीज हैं इनके बारे में जब जांच की गई तो जो पहली कंपनी है उसका नाम है हाई लिंगोस, टिपई के अंदर एक छोटी सी, एक छोटे से कमरे के अंदर ये कंपनी चल रही है। और ये बात भी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इतनी छोटी सी कंपनी ने 73 मिलियन टन कोयले के 2000 शिपमेंट जो है एक्सपोर्ट किए हैं सितंबर 2021 से जुलाई 2023 तक। ये इनका एक्सपोर्ट जीनियस डेटाबेस से इनको ये मिला है कि करीब 2000 शिपमेंट्स टोटलिंग 73 मिलियन टन्स ऑफ कोल डिक्लेयर्ड एज इंडियन इंपोर्ट्स बाय अदानी कंपनीज बिटवीन September 2021 and July 2023 in Exports Genius Database. The importer was primarily Adani Enterprises. इसके बाद जिस नाम का मैं जिक्र कर रहा था वो था चैंग चुंग लिंग, ताइवानीज बिजनेसमैन है जिनके ऊपर पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर भी आरोप लगाया कि इनके पास अदानी साहब के बहुत सारे शेयर हैं, वो शेयर जो बेसिकली प्राइवेट आम लोगों के पास किसी कंपनी को फ्लोटिंग शेयर बनाने चाहिए, बनाने पड़ते हैं, जो एक ज़रूरी चीज़ है, वो इन ताइवानीज बिजनेसमैन के पास जो है वो शेयर थे जिनके माध्यम से अदानी साहब पे आरोप लगा था कि वो शेयरों के दाम आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं। उसमें से एक प्रमुख नाम जो था वो इनका था और एक दूसरा प्रमुख नाम था नासिर अली शब्बान अहली। तो पहली कंपनी जो है बताया गया कि वो कंपनी चैंग चुंग लिंग, जो बीच वाली कंपनी है वो चैंग चुंग लिंग की है। दूसरी कंपनी को जब ढूंढा गया तो बताया गया कि वो किसी मोहम्मद अली शब्बान अहली की है, हालांकि ये अभी तक नहीं पता चल पाया कि मोहम्मद अली शब्बान अहली नासिर अली शब्बान अहली के रिश्तेदार हैं नहीं है, क्योंकि ये जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। नाम देख के थोड़ा सुना सुना जो लगता है, और ये जो नासिर अली शाहबान अली हैं ये वही हैं जिनके ऊपर जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर आरोप लगा था कि वो और ये जो ताइवानीज रेजिडेंट थे मिस्टर ली, ये अदानी कंपनी के बहुत सारे वो वाले शेयर लेके बैठे हुए हैं जो जनरली फ्री फ्लोटिंग शेयर होते हैं। तो ये सारे के सारे आरोप जो हैं इसके अंदर लगे हैं।